हेलो एवरीवन विशाली है वेलकम बैक टू माय चैनल सो वाइज जैसे कि आप जानते हो मैं आप लोग के साथ हेयर स्टाइल की वीडियोस भी शेयर करती हूँ तो उसमें मुझे कमेंट्स आया था कि मैं बैंक के साथ हेयर स्टाइल बताऊँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे बैंक नहीं है लेकिन आजकल ना आपको ऑनलाइन यू नो इजीली अवेलेबल है वो जो क्लिप वाले बैंक आते हैं मैंने जो बैंक इस वीडियो में यूज़ किए हैं वो निश हेयर के हैं एंड जो निश हेयर है ना वो uh, आप एक्सटेंशंस uh, के लिए जाने जाते हैं जो ओरिजिनल हेयर के एक्सटेंशंस होते हैं उनसे उनके लिए एंड उनके जो आपको बैंग हो गए या हेयर की जो भी एक्सटेंशंस वगैरह होंगे ना वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बिकॉज वो ओरिजिनल हेयर का यूज़ करते हैं उनके लिए तो मैंने ये जो मेरे जो बैंग मैंने इस वीडियो में यूज़ किया है वो निश हेयर के है एंड वो ओरिजिनल हेयर के हैं एंड लगाने के बाद में इतना नहीं पता चलता कि यू नो फेक है बिकॉज वो सिंथेटिक Uh, नहीं है वो ओरिजिनल हेयर है एंड यू नो फ्रंट से भी अगर आप देखोगे तो आपको वो ओरिजिनल ही लगेगा और मैं आप के साथ उस बैंग को uh, जो वो बैंग है उसे कैसे यूज करते हैं एंड उसके साथ जो हेयर स्टाइल है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी uh, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैंने निश हेयर uh, के जो uh, बैंग्स हैं वो यूज किए हैं तो आपको भी वही यूज़ करने हैं अमेजोन पे जो चीप रेट में आपको यू नो बैंग्स बहुत मिल जाएंगे एंड अमेजोन पे भी आजकल आई थिंक ढाई या तीन सौ रुपये में जो वो बैंक है वो मिल जाते हैं सो so, अगर आपको वो सिंथेटिक वाले चाहिए तो आप अमेजन वगैरह से ले सकते हो लेकिन अगर आपको ओरिजिनल चाहिए जो मैंने यूज़ किया तो वो उसका लिंक प्रोडक्ट का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाय द विकास ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बाय द विकास मैं इंस्टाग्राम पर भी हेयर स्टाइल एंड हेयर केयर मेकअप uh, से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करती हूँ सो so, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड मैं जैसे कि स्टाइल वगैरह की, की वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करती तो उसका भी प्ले बना दिया मैंने एंड उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं बैंक के साथ हेयर स्टाइल आप बैंक का हेयर स्टाइल बताऊँ ना गाइज उससे पहले मैंने ना ये कर्ल किए थे एंड ये मैंने ना दुपट्टे से किए थे ये वायरल हैक है मतलब कि वो तो एक टूल मिलता है बट हम टूल के लिए पैसे क्यों वेस्ट करें जब हम दुपट्टे से यू you नो know, बहुत अच्छे से कर्ल कर सकते हैं सो so, ये कर्ल कैसे करना है दुपट्टे से उसका एक वीडियो मैं सेपरेटली यू नो अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर सो so, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई देवे गाइज आप अच्छे से कर्ल देख सकते हो कि कितने ब्यूटीफुल से कर्ल हुए हैं वो भी जीरो ोड़ रुपीज़ में ओके okay, तो फटाफट भड़ से स्टार्ट करते हैं हमारे बैंग हेयर स्टाइल तो फर्स्ट हेयर स्टाइल के लिए स्मूद आउट करना है, है, से है? से, uh, तो फिर ना आप कॉम का यूज मत करो यू uh, नो you know, बालों को सही करने के लिए uh, इस बेटर होगा कि आप फिंगर्स का यूज करो जैसे मैं करी और मैंने यहाँ पे थोड़े से बालों को बाहर की तरफ निकाल लिया ताकि और थोड़ा सुंदर लगे एंड बाकी के बालों को मैं पीछे क्लचर से सिक्योर कर रही हूँ उसके बाद में हम यहाँ पे बैंक लगाएंगे तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बैंक के तीन क्लिप आते हैं इस वाले में सबसे पहले मेजर कर लो कि कहाँ पे आपको इसको लगाना है ओके okay? उसके बाद में जो ऊपर वाले पहले क्लिप्स है मैं उसको अटैच कर रही हूँ अपने हेयर के साथ एंड देन नीचे वाली को अटैच कर रही हूँ ओके okay? बहुत ज्यादा ईजी है मैंने बिना कट किए आपको दिखाया सो so दैट कि आपको पता चले कि कितना ज्यादा ईजी है इनको यूज करना मैं कॉम कर लिया मैंने हल्का सा एंड uh, हमारा जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है वो इसी के साथ कंप्लीट होता है एंड आपने ना बैंग लगाने से पहले देखा कितना सिंपल था लेकिन बैंग लगाते ही ये हेयर स्टाइल एकदम यू नो क्यूट सा लगने लगा राइट ओके सेकंड हेयर स्टाइल के लिए क्या करना है मैंने यहाँ पे क्लचर को हटा लिया है वही सेक्शन लिया है जो पहले था बट क्लचर हटा दिया ओके okay? उसके बाद में इनको क्या करना है हमको राउंड राउंड लपेटना है टेक्निकली सही uh, लैंग्वेज में या फिर इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो ऊपर हाफ वन बन बनाना है दैट्स इट बट आपने एक चीज नोटिस uh, करी जो पीछे लास्ट का जो सेक्शन था ना उसको मैंने पूरा जुड़े में नहीं लिया है उसको हल्का सा पीछे की तरफ रहने देंगे यानी यहाँ पे मैं क्लिप लगा रही हूँ मैं पीछे बैक पे दिखाऊंगी आप देख सकते हो ये वाला सेक्शन मैंने ऐसे ही रहने दिया बिकॉज नीचे की तरफ ना आप देख सकते हो हल्के से कर्ल है एंड अगर इसको मैं पूरा जुड़े पे ले लूंगी ना तो ये वाला जो ऊपर कर्ल का सेक्शन दिख रहा है ना ये नहीं दिखेगा और ये बहुत सुंदर लगता है सो uh, so मैं यहाँ पे दूसरा क्लिप लगा रही हूँ बिकॉज uh, मुझे लगा कि ये वाला इसके साथ अच्छा जाएगा ब्राउन एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन एंड मैं नीचे वाला जो स्माइली वाला है वो हटा रही हूँ यहाँ पे, ओके uh, okay, तो आप अब देख सकते हो कि जो मैंने कर्ल वाला ऊपर का सेक्शन छोड़ा था ना जो मैंने जूड़े में नहीं लिया वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है पीछे से अब uh, फ्रंट से मैंने बालों को थोड़ा सा जो बैंग वाले uh, हेयर थे ना उनको पीछे कर लिया कान के एंड और मेरे ओरिजिनल हेयर को मैंने आगे की तरफ करा है एंड ये बहुत नेचुरल सा लुक क्रिएट होगा इससे एंड इसी के साथ हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल भी कम्प्लीट है होता है ओके <laughs> okay, तो थर्ड हेयर स्टाइल के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले मैं यहाँ पे बैंग हटा रही हूँ सो दैट कि मैं अपना थर्ड हेयर स्टाइल जो है उसको अच्छे से एक्सेस कर सकूँ अच्छे से बना सकूँ ओके okay. तो आपको क्या करना है Uh, यहाँ पे मैंने हाफ़ बाल लिया है जैसे मैंने पहले लिया था ओके okay? पर उससे भी थोड़ा बालों का सेक्शन लिया है पहले मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया था अभी मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर का जो सेक्शन दिख रहा है सिर्फ उतना बाल लिया है एंड अगेन फ्रंट से थोड़े से बालों को मैं यहाँ पर बाहर निकाल रही निकालू यू नो लटे वटे अच्छी लगती है राइट right? उसके बाद मैंने यहाँ पे स्क्रंची का यूज़ किया है एंड मैं यहाँ पे रबर से इसे सिक्योर कर लूँगी ओके okay, बालों को अच्छे से थोड़ा सा सेट वेट कर लेंगे कानों के पीछे कर लेंगे लट्टों को थोड़ा सही कर लेंगे उसके बाद भी मैं यहाँ पे वापिस से जो मैंने बैंक हटाए थे वो लगा लिए यस चुटकों का ही काम है इन बैंक को लगाना राइट एंड आपके पूरे लुक को ही चेंज कर देता है राइट ओके okay. फोर्थ हेयर स्टाइल के लिए आपको सेंटर पार्टीशन करनी है बालों की एंड अच्छे से स्मूद आउट कर लो फिंगर से ही उसके बाद में मैंने यहाँ पे वापस से बैंग लगा लिए हैं एंड बिना यू नो क्लिप को कट किए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रही हूँ सो दैट कि आपको पता चले कि बहुत ज़्यादा ईजी है इनको यूज़ करना ओके okay, तो मैंने फ्रंट से थोड़े से बालों को कॉम करके थोड़ा सही कर लिया है उसके बाद मैंने ऊपर से छोटा सा से सेक्शन लिया है एंड इसको हमको नॉर्मल जो तीन सेक्शन वाली ब्रेड होती है ना वो बनानी है तो छोटा सा से सेक्शन लिया इसको तीन पार्ट में डिवाइड करा एंड बस जो नॉर्मल हम तीन स्टैंड वाली ब्रेड बनाते हैं वो आपको नीचे तक बनानी है पूरी ओके okay? बस एक चीज का ध्यान रखिएगा जब आप कर्ल करते हो ये चीज मैंने पहले भी बोली तो आप अपने फिंगर्स से ही बालों को सुलझाओ कॉम का यूज मत करो अगर कॉम ज्यादा यूज करोगे तो आपके जो कर्ल हैं वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं रहेंगे एंड यू नो फिर वो स्ट्रेट हो जाएंगे ओके okay, उसके बाद में मैंने यहां पे ये छोटी छोटी सी क्लिप्स आती हैं ये यूज़ की है आ, सो ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था अगर आपने मेरा अमेजोन का हेयर एक्सेसरीज हॉल नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो ये मैंने वही क्लिप्स यहाँ पे यूज करी है आ, एक साइड पे करने के बाद में मैं यहाँ पे दूसरी साइड पर सेम प्रोसेस को रिपीट करी हूँ थोड़ा सा बालों का सेक्शन लेंगे उसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड उसको नॉर्मल जो तीन सेक्शन वाली ब्रेड होती है वो बनाएंगे उसके बाद में मैंने यहाँ पे अगेन छोटी वाली क्लिप्स यूज़ करी हैं तो आपने देखा होगा नोटिस करा होगा तो मैं बता दूँ एक साइड पे मैंने पिंक के सारे शेड यूज़ करे हैं दूसरी साइड पे मैंने ब्लू के सारे शेड यूज़ करे हैं एंड इसी के साथ हमारा हेयर स्टाइल भी कंप्लीट होता है सो so, क्यूट तो मैं लग रही हूँ राइट ओके फिफ्थ हेयर स्टाइल के लिए आपको सारे बालों को पीछे की तरफ कर लेना है एंड दोनों साइड से मैं यहाँ पे थोड़ी लटे बटे निकाल रही हूँ बिकॉज ये तो यार जरूरी है राइट right? ओके <laughs> okay, थोड़े से बालों के सेक्शन को बाहर की तरफ निकालेंगे एंड बाकी सारे का हमको एक ऊपर की तरफ आ, हाई पोनी बनाना नहीं है क्रिएट करना है कुछ ऐसा सा सो so, अगेन यहाँ पे मैं कॉम का यूज़ नहीं कर रही हूँ अपने फिंगर्स का ही यूज़ करेंगे uh, कॉम यूज़ करेंगे तो जो हमने कर्ल किए हैं वो खराब होने का डर रहता है सो मेक श्योर की हैंड्स का ही यूज़ करें उसके बाद में हाई ऊपर की तरफ इसको लेकर जाना है एंड देन हाई बन बनाना है ओके सो यू नो रोटेट रोटेट एंड जो पीछे वाला है उसको अंदर की तरफ uh, डाल देंगे सो so दैट कि ये थोड़ा मैसी सा ना लगे ओके okay. इसके बाद में मैं यहाँ पे क्लचर का यूज़ कर रही हूँ सो uh, so आप देख रहे हो कैसे क्लचर को uh, यू नो लगाना है अगेन उसके बाद में मैंने यहाँ पे बैंग लगा लिए हैं एंड जो बैंग वाले जो uh, हेयर थे ना वो मैंने पीछे की तरफ कर लिए और अपने जो मेरे नेचुरल हेयर हैं वो मैंने फ्रंट की तरफ रखे हैं इससे uh, जो uh, ये बैंग वाल बैंग लगाते हैं ना ये थोड़ा नेचुरल लगता है एंड सुंदर भी लगता है बिकॉज़ मेरे हेयर है वो कर्ल है एंड बैंग वाले वो थोड़े से स्ट्रेट है ओके okay, इसी के साथ हमारा हेयर स्टाइल भी कंप्लीट होता है लास्ट हेयर स्टाइल बहुत 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 ज्यादा सिंपल है लाइक like, आपको बिल्कुल कुछ हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता तो ये वाला हेयर स्टाइल आप बिल्कुल बना सकते हो वैसे तो मुझे लगता है सारे हेयर स्टाइल थे आप बना सकते हो ओके okay, तो ये वाले जो हेयर एक्सेसरीज़ है ये भी मैंने अमेजोन से परचेज़ करी थी ओके uh, okay, तो आपको क्या करना है यहाँ से थोड़ा सा बालों का सेक्शन लेना है इसको रोटेट करना है फिर इसी के नीचे से आपको अगेन एक छोटा सा सेक्शन लेना है एंड इसको फिर रोटेट कर देना है दैट्स इट ओके बस वो क्लिप लगा लेनी है तो क्लिप ऐसी जो क्लिप होती है इसको आपको इस डायरेक्शन में नहीं अप्लाई करना है ऊपर से इस तरीके से अप्लाई करना है तो इससे क्या होगा जो आपने क्लिप लगाया ना गाइज़ वो फ्रंट से भी अच्छे से विजिबल होता है uh, ठीक है फिर मैं यहाँ पे आपको दूसरी वाली क्लिप लगाकर भी दिखा रही हूँ आप दोनों में से कोई भी क्लिप लगा सकते हो तो ये हेयर स्टाइल मैंने एक साइड पे क्रिएट करा है आप इसको दोनों साइड पर भी क्रिएट कर सकते हो उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा सो आई होप कि ये वीडियो देखने में आपको मजा आया होगा एंड ये वीडियो भी आपको यूजफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक किए बिना नमज चाहिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सो या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो के लिए हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय टेक